राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम अपने दुर्ग प्रवास के दौरान शहर के विभिन्न जगहों पर पहुंची, वृद्धजनों सहित आम जनता के मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया, साथ ही आम लोगों से चर्चा भी की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्पेशल टीम ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के 6 दिवसीय दौरे पर दुर्ग पहुंची। टीम ने शहर के विभिन्न संस्थानों पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही मंगलवार को दुर्ग पहुंचे टीम ने मॉनिटरिंग अधिकारी बालकृष्ण गोयल के नेतृत्व में दुर्ग जिला अस्पताल का जायजा लिया, जहां वे आम जनों और इलाज के लिए आए मरीजों से भी चर्चा कर अस्पताल द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानने का प्रयास किया। इसी कड़ी में 2 महिलाओं से चर्चा कर सोनोग्राफी नहीं किए जाने का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद खुद मॉनिटरिंग अधिकारी बालकृष्ण गोयल अपनी टीम के साथ उस महिला को लेकर सोनोग्राफी रूम पहुंचे, जहां डॉक्टर की अनुपस्थिति देख अपनी नाराजगी जताई, साथ ही अस्पताल प्रबंधन को विशेषकर वृद्धजनों को बेहतर सुविधा दिए जाने निर्देश देकर जल्द हेल्प काउंटर बनाए जाने निर्देशित किया। इसके साथ ही पूरी टीम ने अस्पताल में भोजन उपलब्ध कराए जाने वाले किचन को देखा, जहां उन्हें बहुत सी कमियां भी नजर आई। बता दें, ये स्पेशल टीम छत्तीसगढ़ के रायपुर महासमुंद के स्कूलों और अस्पतालों का निरीक्षण कर अन्य विभागों का दौरा कर रही है। दुर्ग में भी ये टीम स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंची, छात्राओं से चर्चा की और पाई गई कमियों को नोट किया। इस संबंध में मीडिया से अपनी बात साझा की। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली की तरफ से यहां पहुंचा हूं। मुख्य रूप से हमें ये देखना रहता है कि किसी भी स्तर पे मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हम देखते हैं कि किसी भी तरीके से सभी के अधिकारों का हनन हो रहा है या जिला स्तर पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी मैं इस समय खड़ा हूँ, इससे पहले मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल चेक किया है मैंने, तो यहाँ पे बहुत सारी हमें कमियाँ दिखाई दी हैं, जिनको अभी मैं बैठ के विस्तृत रूप से बैठक में समझने की कोशिश करूँगा कि स्टाफ की कमी है या किसी और वजह से ऐसे है। और मुझे बताया गया है कि कल ही जो यहाँ के अधिकारी हैं वो रिटायर हुए हैं, तो आज ही जो है सुप्रिटेंडेंट साहब ने चार्ज लिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो अभी मुझे नहीं बता पा रहे। तो कुल मिला के यहाँ की जो व्यवस्था है उसको ये देखने की ज़रूरत थी कि हम वरिष्ठ जनों के लिए क्या कर रहे हैं। मेरा आने का मुख्य रूप से कारण ये था कि मैं वरिष्ठ जनों के लिए अस्पताल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं उनको देखूं। इसके अलावा जो बच्चे हैं हमारे 18 से नीचे वाले, उनके लिए क्या सुविधाएं यहां पर हैं, उनके अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हो रहा। तो अभी तक जितनी जानकारी मुझे मिली, जितना मैंने अस्पताल को देखा, तो ये समझ आया कि हमें यहां पे सोनोग्राफी मशीन एक और चाहिए, उसकी बेहद कमी है। मरीज़ दूर से आते हैं तो उनको समय पर सोनोग्राफी नहीं मिलेगी, तो दोबारा आने के लिए उनको कष्ट होता है। उसके लिए मैं अपनी रिपोर्ट में इस बात को अंकित करूंगा कि यहाँ पे सोनोग्राफी की मशीन जो है वो है। दूसरा, खाने की व्यवस्था हमने देखी, तो किचन जो है जहाँ पे खाना बनता है उसके स्टोर में बेहद कमियाँ हैं। सामान जो है ठीक तरीके से नहीं रखा गया, जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं है। उसके लिए मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब को बता दिया है कि वहाँ पे रैक की व्यवस्था करवाएं और सुचारू रूप से सफाई का विशेष ध्यान रखें। अभी तक खाने का सिस्टम ये था कि किसी एक डॉक्टर को खाना खिलाया जाता था, तो मैं आज ये निवेदन कर रहा था अभी सुप्रिटेंडेंट साहब से कि आप खुद जो है खाना ज़रूर खाएँ, कोई ब्रेकफास्ट लंच और डिनर अगर हो सके तो वो भी, तो आप एक बार खाना ज़रूर चखें, जिससे आपको उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा रहे। बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कुल मिला के ठीक दिखाई दे रही हैं। जिरियाटिक वार्ड में अभी विज़िट करूंगा, जिसको हम वृद्धजन वार्ड बोलते हैं, उसमें और अगर कुछ कमियां होंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि अस्पताल प्रशासन उसको समझे और उन कमियों को दूर करे। हमारी 4 जिलों की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जाएगी, और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट जो है यहाँ के मुख्य सचिव जी को प्रेषित होगी। उसमें हमारे अधिकारी जो हैं वो इस चीज़ को लिखेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं हमें
छत्तीसगढ़ में दिखाई दी और किनको अभी हमें ठीक करना है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्लग